ईमान के पीछे नीला साम्राज्य का सपना देखने वाले नागरंग सिंह मुन्नीवासी बहुजन समाज के लोग और एक संविधान दिवस की एक अंतर्राष्ट्रीय त्यौहार का शुरुआत एक विरासत कायम करने वाले बहुजन समाज के सारे महापुरुष को उनके चरणों में वंदन करते हुए और तमाम जो मंचासी हैं साथी और इस प्रोग्राम के आयोजनकर्ता दिन रात मेहनत करके बहुजन समाज का इंटरनेशनल बहुजन कॉन्फ्रेंस को और संविधान दिवस पर को खास करके दिल्ली के धरती पर एक अंतर्राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में मनाने का जो कार्य किया जा रहा है, मैं आदरपूर्वक सम्मानपूर्वक सबका धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। साथियों, संविधान दिवस 26 नवंबर 1949, आज 26 नवंबर 2018, आज संविधान को लागू किए हुए इतने दिन हुए और अगर हम 26 नवंबर 1949 से पहले जाएंगे और पहले जाएंगे 5000 साल का इतिहास में आप लोगों को नागरिक बनने का अधिकार नहीं मिला। यहां पे 700 साल तक मुगलों का शासन चला, 250 साल तक अंग्रेजों का शासन चला और बाद में जब संविधान आया तब आप लोगों को नागरिक बनने का अधिकार मिला। यानी प्रजा तो थे, मौर्य एम्पायर थी, अशोका एम्पायर थी, बुद्ध का संघ था, मगर आप लोगों को नागरिक बनने का अधिकार नहीं था। आज जब संविधान लागू हो गया तब आप लोगों को नागरिक बनने का अधिकार मिला, इंसान बनने का अधिकार मिला, या कि आपका ह्यूमन राइट्स मिला। आज पूरे दुनिया में भारत का संविधान जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद इंटरनेशनल कन्वेंशन के माध्यम से 1966 इकोनॉमिक पॉलिटिकल राइट्स के माध्यम से या जब बाबा साहब अंबेडकर 21 फरवरी को वहां पे ड्राफ्ट रखा, उसके बाद 10 दिसंबर 1948 को यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का रखा गया, आज पूरे दुनिया में भारत की संविधान को बेस बना के दुनिया का संविधान बनी है और साथ साथ वहां पे जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, मौलिक अधिकार का सिद्धांत है, जितने भी गोल्डन प्रिंसिपल है उसको रखा गया। हम जब दुनिया का संविधान को स्टडी करते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं तो इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटरनिटी और जस्टिस चारों चीज का एक साथ किसी भी देश का संविधान में ये वर्णित नहीं है। इससे बड़ा क्या हो सकता है बाबा साहब अंबेडकर का, दुनिया के लिए ये इतना बड़ा काम करके दिया, दुनिया के लिए इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका। मैं तहे दिल से बाबा साहब का अनुयायी होने के नाते इस चीज को मैं मानता हूं। अगर बाबा साहब नहीं होते, बाबा साहब का लिखित संविधान नहीं होता तो पहले तो इस सभा में जो है, इस स्टेडियम में जो जितने सारे पढ़े लिखे लोग हैं कोट बुट टाई से पहनकर आए हुए हैं वो लोग दिखाई नहीं देते। आप देखिए, जब से भारत का संविधान लागू हुआ एक वक्त था समुद्र ऋषि को वेद पढ़ने के लिए उसको मार दिया गया, आज एक शूद्र आप कहोगे देश का प्रधानमंत्री है। आज जिस एकलव्य का अंगूठा काट दिया गया गुरु के नाम पे, गुरु दक्षिणा के नाम पे, आज एसटी समाज कितना आगे जा रहा है, करिया मुंडा साहब हमारे स्पीकर के, जिस नारी का तुलसीदास ने भी ये उसका बहिष्कार किया अपने रामचरितमानस के माध्यम से, आज देखिए जिनको प्रशांत महासागर के धरातल में गाड़ दिया गया था, आज उनका चरण छूने के लिए, बहन मायावती जी का चरण छूने के लिए लाइन पे लगी होती। यह किसकी देन है? कल तिलकपुरी में कॉन्स्टिट्यूशन डे मना गया, कल मैं वहां पे था, मैं देखा झूठी झपड़ी और जेजे कॉलोनी, आज वहां पे कभी रहा करती थी, पढ़ा करती थी बहन मायावती जी, आज यूपी के चीफ मिनिस्टर बन गई 4-4 बार और सैकड़ों लाइन लगी होती है पैर छूने की। संविधान के माध्यम से ये सारे के सारे अधिकार हम लोगों को मिला, फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ
डीपीएसपी डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और तमाम जो अधिकार हैं, जो अमेंडमेंट है, यानी इकोनॉमिक प्रोविजन है, बजट का प्रावधान है और अमेंडमेंट के साथ आज 101 अमेंडमेंट हो गया भारत के संविधान में। मगर जो भारत के संविधान को फॉलो करके साउथ अफ्रीकन का कॉन्स्टिट्यूशन बना, वहां पे जो फंडामेंटल राइट को एडॉप्ट किया, जो बाद में बाबा साहब अंबेडकर स्टेट एंड माइनॉरिटीज के माध्यम से इस चीज को अपने पुस्तक में भी जिक्र किया कि ह्यूमन राइट्स को भी मूलभूत अधिकार के साथ उसको एडॉप्ट करने की जरूरत है। ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 बन गया, 1955 सिविल राइट एक्ट बन गया, अभी 1989 आपका प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, 1995 आपका प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी रूल्स बन गया। मगर आज सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, यानी उसका लिबरल इंटरप्रिटेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के माध्यम से गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन करके जो आर्टिकल सेक्शन 8 का जो प्रावधान था आपका एंटीसेपिटरी बिल का, हालांकि अमेंडमेंट हो गया, मगर सुप्रीम कोर्ट में फिर जो लोग हैं, जो बुनियादी लोग हैं, एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान जो है, हमारे सपोर्ट में है, एससीएसटी ओबीसी रिलीजियस माइनॉरिटीज के साथ है, यानी सबको वन मैन वन वैल्यू का मौका देता है। मगर दूसरी तरफ जो है व्यवस्थावादी लोग हैं, जो इस देश में कायम है, जो एग्जिस्टिंग करता है, ये संविधान को नहीं मानते हैं, जिसका नतीजा हुआ दिल्ली में जंतर मंतर पे संविधान का कॉपी जला दिया गया। मगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग आगे इसका विरोध नहीं करते। आज संविधान दिवस क्यों मनाना चाहिए? संविधान इसलिए मनाना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि पहले संविधान हम लोगों को यह सुनिश्चित किया कि वन मैन वन वैल्यू, एक रिक्शा वाला का जितना अधिकार है, वोट का अधिकार है, उतना एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का भी इतना वैल्यू है, एक प्राइम मिनिस्टर का भी इतना वैल्यू है। आप देखेंगे जितने भी संविधान इसके बाद बनी है, आज 2018 में सारे के सारे संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करके ही बन रही है। तो इसलिए साथियों, अगर देश में रामायण कथा, भगवत कथा, सारे कथा हो सकती है, तो मेरे आप लोगों से अपील है कि संविधान की कथा भी जरूर होना चाहिए। अगर संविधान के बारे में आपका बच्चा पढ़ेगा, देखेगा, महसूस करेगा, उसके अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल कल्चर डेवलप होगा, एक संस्कृति विकसित हो जाएगी। इसलिए हम लोग, क्योंकि संविधान के बारे में हम पढ़ते नहीं है, उसको देखते नहीं है, ना घर पे रखते हैं, दूसरे दिन जब तक आज देखिए सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन से बनी हुई सुप्रीम कोर्ट के कटघरे पे, जिनको ले आप अपना भाग्य विधाता मांगते हो हैं, आज वो कटघरे में है, जितने राम साहब कटघरे में है, और दूसरी तरफ बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन के चलते चलते आप देख लो सब लोग कटघरे पे आ रहे हैं, जिसके बदलत आपको कुछ मिल रहा है, जिसके बदलत आज इतना तरक्की कर रहा है बहुजन समाज, उससे पहले आपको इतना तरक्की कहीं नहीं मिली। तो साथियों, इतने कम समय में संविधान का जो मोटी मोटी चीज मैं आप लोगों को बताने का कोशिश किया, बताया, चीजें तो बहुत सारे हैं जो आप लोगों को मैं बताऊं, फिर भी मेरा जो कोशिश रहा कि आपको जो फिलोसॉफिकल जो एस्पेक्ट है, जिसके वजह से आज संविधान की वजह से मैं यहां खड़ा हो पाया हूं, सुप्रीम कोर्ट में हूं, आज मैं देखता हूं कि परिसंघ जो है, परिसंघ भारत के एकमात्र जो इंस्टीट्यूशन है, दो दो एसएलपी डायल की सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि इनकेस कोई टेक्निकल डिफिकल्टीज हो, महासंघ जो है वो वहां पे एसएलपी डायल की, क्योंकि अगर कोई टेक्निकल डिफिकल्टीज आ जाती तो दूसरा बचा रहेगा। साथियों, आज जो माननीय केपी चौधरी साहब, बीएस भारती साहब, जो जितने भी अपने महापुरुष के विचारधारा पे चलने का निश्चय किया है, बहुजन समाज का यहाँ पे बहुजन समाज का सम्मेलन करके अंतर्राष्ट्रीय जो कॉन्फ्रेंस किया गया, इसके माध्यम से एक अंतर्राष्ट्रीय त्यौहार का मनाने का जो संकल्प है, जो उद्देश्य है, आगे उसका दूरगामी परिणाम होगा, अच्छा रहेगा, और जय भीम का नारा गूंजेगा दुनिया के कोने कोने में, लॉन्ग लिव कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जय भीम जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।